हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सोनी। मोटा मजा आ रहा है गाइस भाई, है ना। दूजा व्यू खतरनाक भी, मोटी बर्फ पड़ गई इधर, है ना भाई। देखिए गाइस, 0.5x में मैंने अपना कैमरा कर दिया है और ड्राइवर ही देखिए, और ये मोड आ गया और ये मोड काटते हुए दूजा ही मोड भाई, दूजा आगे थार आगे थार भाई, पूरा चिल करते हुए खरतुंगला पास में। कोई ठंड नहीं लग रही है इनको, फुल होट पर हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुके हैं यहाँ पे, सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे 7 और हम उठ चुके हैं, रेडी वगैरह हो गया, सारे डन एकदम। तो आज एक नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है फिर से। तो आज का कुछ प्लान ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। तो कुछ यहाँ पे हो रही है अभी पैकिंग, पैक कर सकते हो आप, अभी हो रही है पैकिंग गाड़ी की, टोटल फुल पैक कर दी है ये चेक पीछे। एंड सीन कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर में निकल जाएंगे, अभी हम 8 बजने वाले हैं, मतलब 7:43 हो गया है, 8 बजने वाले हैं टाइम। हमने ऐसे सोचा 7 बजे निकल जाएंगे, पर 8 बजने वाले हैं तो चलो थोड़ा लेट हो गया, पर निकलते हैं अब थोड़ी देर में, 5-7 मिनट में। बाकी मौसम कुछ ऐसा है कि आज थोड़ा ख़राब सा है, तो ऊपर देखते हैं। आज नुब्रा वैली में ऐसा है कि आज करेंगे वहाँ पर कैंप। तो आज सफ़र बहुत लंबा है, नुब्रा वैली यहाँ से 180 किलोमीटर के आसपास, तो नुब्रा वैली से आगे भी शायद जाएं, बाकी देखते हैं क्या बनता है, अभी तो कंफर्म नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बनेगा। एंड चलो निकलते हैं, अभी चेकआउट करते हैं अपने होटल से भी, एंड फिर निकलते हैं आगे के लिए। बाकी ये कुछ गाड़ी हालत बहुत ख़राब इस टाइम पे बिल्कुल, तो चलो चलते हैं अब। स्टिकर जगह, एक और स्टिकर ऐड हो रहा है अभी गाड़ी में, देखिएगा मेले लगा उसके बिल्कुल सीधा ही मिल गए, इतना पावरफुल होगा ये, नाइस। ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ये है कुछ अपना होटल, एंड ये था अपने बाइक होटल, 3-स्टार होटल है, होटल हिल टाउन, जो कि आपका पड़ता है मेन ले में, ले मार्केट में। बाकी ये है कुछ ऐसे अंदर से होटल, रूम वगैरह बहुत अच्छे हैं इसके। एंड ये है कुछ अपने भाई होटल के, तो आप इनसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट होटल के लिए, बाकी जानकारी ये विजिटिंग कार्ड इनका सामने, बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ अभी निकल चुका है अपने होटल से, बाकी जा रहे हैं अभी खरदुंगला वाली साइड, उसके बाद निकलेंगे नुब्रा के लिए। सुबह तो ऊपर मौसम खराब सा था, बाकी देखते हैं अभी क्या सीन बनता है ऊपर जाके। ये कुछ यहाँ पे एक और चेक पोस्ट सामने, एंड ये है कुछ ऊपर का व्यू, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये पहाड़ों में ये जो है, यहाँ से अभी शायद हम जाएंगे तो खरदुंगला, यहाँ से 17-18 किलोमीटर। बाकी ये कुछ रास्ता अपना, ये चेक करो बिल्कुल ऊपर, रात को बारिश हुई थी उसके कारण बर्फ पड़ चुकी है, बाकी वो नीचे से आए हैं अभी हम बिल्कुल। एंड चलो बैठते हैं गाड़ी में, एंड चलते हैं यहाँ पे, एंट्री वगैरह करवाते हैं, फिर निकलते आगे के लिए। इस यहाँ से खरदुंगला रह चुका है 10 किलोमीटर आ रहा ही, वो ऊपर खरदुंगला ये, और ये है कुछ अपना रोड, यहाँ पे स्नो मिल चुकी है थोड़ी थोड़ी, बाकी ऊपर तो खतरनाक वाली स्नो होगी। बाकी ये कुछ भी, और लद्दाख रह चुका है आपका, वो नीचे ग्रीनरी सी जो दिख रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सोनी। मोटा मजा आ रहा है गाइस भाई, है ना। दूजा व्यू खतरनाक भी, मोटी बर्फ पड़ गई इधर, है ना भाई। भी क्या बताया, आज मोटी एनर्जी आ गई मेरे को, है ना, एंटरटेनिंग व्लॉग बनाने के लिए। गाइस मैं बता नहीं सकता, मेरी सांस फूल गई, हम बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में, पीछे आप देख सकते हैं गाइस बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है। और आप व्लॉग देखते रहिएगा, आपको खतरनाक वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड मैं भी आपको हम लेके जाएंगे खरदुंगला पास, दुनिया के सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, उसकी आपको हाइट हम बताएंगे उधर ही जाके, ठीक है। और उधर ही हम आपको वीडियोस का शॉर्ट लेके बताएंगे। और ये आगे ट्रैवल विद सोनी हमारे साथ, और इनका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में, और ये अपने एडवेंचर साउंड अपने भाई मोटे खजड़ हुए पड़े हैं, मोटे खजल हुए पड़े हैं,
क्योंकि इनका सर घूम रहा है। अच्छा हुआ आप पीछे। चलो ठीक है भाई जान, ओके बाय, सी यू। तो गाइस अब ड्राइवर हो गया चेंज, हमने ट्रैवल विद सोनी, मिस्टर पर सोनी अब गाड़ी चला रहे हैं, और अभी मैं आपको इनकी गाड़ी चलाने के शोर्स बताऊंगा, ध्यान से देखते लीजिएगा। थैंक यू गाइस। देखिए गाइस 0.5x में मैंने अपना कैमरा कर दिया है, और ड्राइवरी देखी, और ये मोड आ गया, और ये मोड काटते हुए दूजा ही मोड भाई, दूजा आगे थार, आगे थार, वो भाई आगे ऑफ रोड आ गया, मोटा खतरनाक देख सकते हैं आप। और देखो भाई अपने ट्रैवल भी सोनी थार को पीछे पड़छाड़ते हुए, और बस 5 ही मिनट में थार पीछे, फॉर्चुनर पीछे, बिकॉज स्विफ्ट डोंट केयर। आपने ट्रैवल भी सोनी और एडवेंचर सवाल आके बैठे हुए हैं अभी, तो बस ये पहले ट्रैवल भी सोनी था, बस ऐसे सीरियस रहता था, मैं आ गया मोटी एनर्जी के साथ, क्योंकि इसलिए एनर्जी आई है, रेस्ट बढ़िया होगी, 2 दिन है ना, ऊपर से टट्टी भी आई है। तो एक्चुअली 2 दिन हमने ट्रैवल किया था, बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी, 2 दिन हम रेस्ट हो गए एकदम खतरनाक वाली, तो अब मोटी एनर्जी आ गई, अभी आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग दूची क्यों। और देखिए ये लोग खतुंगला वाला लोग, नेक्स्ट लेवल। मेरी एनर्जी अगर डाउन नहीं हुई डुबरा वैली तक, मेरी एनर्जी अगर डाउन नहीं नुबरा वैली तक, फॉगड अप कर देंगे ब्लॉग को, फॉगड अप ब्रो। गाइस गाड़ी 4x2 है, ये बेवकूफ लोग एसी को 4x4 ऐसे ऐसे करते रहते हैं और 4x4 बना देते हैं इसको, पता नहीं मोटे ही बंदे हैं भाई, मोटे ही। सामने बर्फ आ रही है, अभी वहां पे लगाएंगे भी हम 4x4। सामने अब बस स्नोई रोड आ रहा है, अभी हम बस उधर खतरनाक हम बढ़िया अच्छे से ड्राइवरी करेंगे अपनी बढ़िया, और आपको मैं व्यू बताता हूँ बाहर का। गाइस देखो स्नोई ग्लेशियर, ताजी ताजी सुबह ही स्नोफॉल हो रहा था, और आप देख सकते हैं वहां गाड़ियां जा रही हैं अभी पूरा कवर करके। ये जो अपना ग्लेशियर है इसको हम पूरे ही यहाँ से, मतलब इस रोड से जाएंगे, इसको कवर करते हुए पीछे अपना रास्ता है, इस ग्लेशियर को कवर करेंगे, फिर हमें और ग्लेशियर आप व्यू देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खतरनाक। सो गाइस ग्लेशियर से भी ऊपर वाली हाइट में, अभी बड़ी हाइट में आपको मैं बताता हूँ व्यू, और थोड़ा इधर ऑफ रोड चला हुआ है, बहुत ही खराब रास्ता, आप देख सकते हैं कैमरा बहुत हिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑफ रोड। अभी मैं आपको व्यू बताऊंगा, हम ग्लेशियर से भी ऊपर हाइट में आ गए हैं, देखिए देखिएगा वो ग्लेशियर डाउन है, और ये हम हैं शॉर्ट जाकर। तो अब मैं गाइस नहीं बोलूंगा, बोरिंग होगा गाइस बोल के, मैं अब मैं बोलूंगा हेलो दोस्तों, मौसम इधर खराब हो रहा है, और फौजी भाई अपने खड़े हुए हैं, स्लो मोड काटे हो, हेलो फौजी भाई हेलो करते हुए हम, बिग रिस्पेक्ट टू आर्मी गाइस। गाइस शायद हम पहुंच गए खरदुंगला पास, हम पहुंच गए गाइस दोस्तों, सॉरी finally we are at Khardungla pass, we're gonna clip some picture here and follow us on Instagram for amazing pictures, amazing reels, and that's it guys, we're gonna show you Khardungla pass now, that's it, okay dosto. So guys finally we are at Khardungla, highest notable road of India भाई, भाई एंजॉय करते हुए पूरा, भाई वर्ल्ड का एंजॉय करते हुए पूरा, खतरनाक टिके थे भाई, पूरा चिल करते हुए खरदुंगला पास में, कोई ठंड नहीं लग रही है इनको, फुल होट बंदे पूरा चिल चला हुआ है, क्या बात है क्या बात है। यहाँ अभी खरदुंगला में से निकल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, बिल्कुल माइनस में मेरे हिसाब से, तो चलो निकलते हैं यहाँ से अब आगे के लिए। इस मोटी मारा मारी पड़ी हुई है खरदुंगला पास में, हर बंदा ज्यादा फोटो आए, हम हमारा वैसे सीन था, और बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत फोटो शूट किया हमने भीड़ भड़ाके में, विल गिव यू अपडेट इन इंस्टाग्राम अबाउट द फोटोग्राफ्स एंड द रील्स, एंड सो फाइनली वी आर हेडिंग अप टू नुब्रा वैली, एंड
ये थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी लग चुकी है, ये सामने देखो आप भाई साहब, खरदुंगला में लग चुकी है स्नोफॉल, लगी लगी लगी, 5 मिनट खड़ा यहाँ खाजी लग जाएगी खींच के। ठंड ज्यादा होने के खड़के हमने ये जैकेट डाली है गाइस, और अभी हम मैं आपको बताऊंगा हमने कौन सा ग्लेशियर अभी पार किया, खरदुंगला वाला। अब हम फिर नीचे जा रहे हैं, फिर अब अगला ग्लेशियर चढ़ेंगे, फिर उसको पार करेंगे, फिर डाउन अप डाउन अप डाउन ले लद्दाख इज ऑल ऑफ फन एंजॉय। वो सामने वाला ग्लेशियर हम पार करके आए हैं, ये सारा क्रॉस करके आए हुए हैं, अभी हम इस ग्लेशियर से नीचे नीचे जा रहे हैं, और आई थिंक मे बी वो रास्ता है आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल भी हो रहा है, और टोटली ऑफ रोड हुआ बड़ा काम, बहुत ही गंदा रोड है, व्यू चेक कर सकते हैं गाइस आप, उस हाइट से हम आ गए हैं इधर। ये अपने साथ अपने भाई एडवेंचरस हो, गो फॉलो इन इंस्टाग्राम एडवेंचरस हो, एंड कुछ ऐसा सीन चला हुआ बढ़िया। तो ये अभी हम खलसर क्रॉस कर चुके हैं, बाकी नूबरा यहाँ से रह चुका है 30 किलोमीटर, और हुंडर है यहाँ से 27। टाइम हो चुका है 12:30, और ये है कुछ खलसर के बेस कैंप्स, बाकी चलते हैं धीरे धीरे पहुंचते हैं नूबरा में, वहां देखते हैं फिर सैंड ड्यून्स वगैरह। सो फाइनली गाइस वी आर एट नूबरा वैली, अभी हम आपको एक दीक्षित बहुत ही अच्छी जगह लेके जाएंगे, और आप जरा व्यू चेक करना, और ये मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से गाइस। और तो अभी पहुंच चुके हैं हम दीक्षित मोनेस्ट्री, बाकी ये है सामने आपकी नूबरा वैली पूरी वो मोनेस्ट्री, अभी जा रहे हैं हम मोनेस्ट्री की ओर, उसके बाद जाएंगे हुंडर ऊपर, यहाँ पार्किंग करो एंड देन दरवालो चेक कर ऊपर उतो। ओए 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 ओए, मोड़ दे पूरी, मोड़ दे पूरी, मोड़ दे, ये देखो चेक इट आउट गाइस, साले ऊपर कैसे गए हैं बंदे, ओ जो पौड़ी लगी है इतनी बड़ी बड़ी, आगे ले ले गड्डी सीधी खड़ा दे आगे, को टेंशन तो आप देख सकते हैं बैक साइड ऑफ दीक्षित मोनेस्ट्री। सो गाइस हम पार्किंग में, सो फाइनली दोस्तों वी आर एट दीक्षित मोनेस्ट्री, यू कैन सी माय हाइट, भगवान जी हाइट काने पूछ के ऊंचे बराबर बराबर। गाइस दीक्षित मोनेस्ट्री घूम के आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं गाड़ी के पास कैंपिंग साइट में जो है हुंडर में, हुंडर में आप जाएंगे यहाँ 7 किलोमीटर आगे हुंडर, वहाँ पे कैंपिंग साइट, और आपको कैंपिंग वहाँ पे बताएंगे, लगाएंगे या तो कैंप लगाएंगे या तो उन्हीं के कैंप्स में रहेंगे, बाकी देखते हैं क्या बनता है। चलो गाइस अभी वो है सामने आपकी दीक्षित मोनेस्ट्री, बाकी वहां से अभी हमने पूरा ये जो रास्ता देख रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ से पूरा पहाड़ चढ़ा के गाड़ी यहाँ तक पहुँचा दी है, आधा पहाड़ चढ़ा दिया, बाकी सीन ऐसा है आगे रास्ता ही ख़त्म हो गया, हम तो ऊपर जाने वाले थे पर रास्ता ख़त्म हो गया, बाकी ये है कुछ, तो यहाँ पे लेते हैं अब ड्रोन शॉट्स एंड देन फिर चलते हैं। गाइज आज के लिए कुछ अपना होम जो ये रहने वाला टेंट, बाकी अभी सोए हुए थे, सो के उठे 6 बज गए, मेरे ख्याल से 3-4 बज गए थे, मोटी थकावट हो गई थी, तो अभी 6 बज गए हैं उठे, अब जा रहे हैं हुंदर है ये प्लेस, इस टाइम हुंदर में अभी हम, तो अब जा रहे हैं हुंदर घूमने, बाकी वो है अपना टेंट सामने, तो चलो पहले चलते हैं चाय चूय पीते हैं क्योंकि मोटी थकावट हो गई थी, एंड अभी उठे थकावट थोड़ी मतलब कम हुई, बढ़िया रेस्ट हो गई थोड़ी सी आज ना, तो बढ़िया हो गया सिस्टम, तो चलो देखते हैं अब चलते हैं, थोड़ा खाते पीते कुछ फिर आते हैं वापस। तो ये
रहा है, कुछ सामने सनसेट। और अभी आ चुके हैं हम उत्तर के ग्राउंड में, जहाँ पे आपके ऊंट वगैरह भी हैं, ये है सामने उस जगह में। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नूपुरा वैली, हुंडर में पहुंच गए हम। इधर पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक ही है, और अभी आपको यहाँ पर बताएंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, इग्नोर नहीं, फाइन ब्रो। मिस्टर पाइप सोन इन द हुड, पीछे हो रहा है बड़ा ही, बहुत ही बढ़िया सनसेट। और चलिए आपको भी बताते हैं इधर का व्यू, एकदम रेगिस्तान की तरह, नेक्स्ट लेवल। थैंक यू गाइस। देखो ये चेक कर सकते हो आप सामने, दो पीठ वाले कैमल्स। ज़ूम आउट करके ये दुई पीठ थोड़ा अच्छा। अरे देखो इस सामने जगह करो आप, कैमल्स, नूबरा वैली के फेमस कैमल्स, दो पीठ वाले, मतलब दो जो भी है। बड़े भैया वाओ, वो तेरी वे। ये कुछ अभी जा रहे हैं अपने कैंप में, ये वाला था अपना बीच वाला, अपना लाइट ऑन है। राम ये है कुछ अपनी कैंपिंग साइट। लाइट साइड करो ब्रो। ये है कुछ अपना रूम, लाइट कर ऑन। टीनी टीनी, ये कुछ अपना इधर डिनर आ चुका है। और ये देखो अभी हम किन्नौरी स्टाइल में बैठे हैं इधर, बढ़िया मस्त तरीके। चलो डिनर खाते हैं अब, नहीं यार, चलो खाते हैं डिनर एंड फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने टेंट में, ये कुछ अभी बेड में बैठे हैं, खाना वगैरह खा के आ गए। बाकी ठंड यहाँ पे अभी -1 है टेम्परेचर, तो सुबह निकलना है अभी हमने, 7 बजे सुबह निकल जाएंगे हम, 7 बजे कल जाएंगे हम पेंगोंग लेक, तो वो व्लॉग भी आ जाएगा जल्द। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लो ट्रैवल विद सोनी।